हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल असेंबली कांसेप्ट में फिनोल OCH3 ग्रुप हम ले रहे हैं ऑर्थो पर। OCH3 ग्रुप मेटा पर और पैरा OH और ये फिनॉल। अब अगर मान लो हम इनमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, OCH3 ऑक्सीजन के पास लॉन्ग पेयर है, हम बात कर चुके हैं कि कोई भी एक्स एलिमेंट जिसके पास अपना लॉन्ग पेयर है और वो जब किसी कॉन्जुगेट सिस्टम में होगा C डबल बॉन्ड C, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर देगा और कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है और आगे कॉन्जुगेट सिस्टम है, देखिए ये यू है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस है। साथ साथ में सिक्स का माइनस आई भी होगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन, कार्बन की तुलना में यदि विद्युत ऋणी है, तो ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और प्लस वन से क्या कर रहा है, दे रहा है। यहां पर इस OCH3 को अपन देखें, ये मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है, ये 1-3 पोजीशन मेटा पोजीशन होगी, यहां पर किसी भी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं होगा, ओनली माइनस है। मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं होता है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होता है, तो यहां पर इसका माइनस आई होगा। और अगर अपन ये देखें तो अगेन OCH3 पैरा पर है, पैरा पर इसका क्या होगा, प्लस एम भी होगा, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। अगर अपन देखें ओ माइनस, तो इसमें चार्ज नीचे की तरफ डिलोकलाइज होगा और ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। इस वाले में OCH3 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और यहां पर जो रेजोनेंस होगा उसका डायरेक्शन भी किधर होगा, नीचे की तरफ, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनकी अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो सेकंड वाला जो है आप इसे फर्स्ट नंबर दे दें, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड और ये फोर्थ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, सेकंड वाले की होगी। क्यों, क्योंकि सेकंड वाले में हमने माइनस आई वाला ग्रुप लगा रखा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये माइनस आई के साथ साथ प्लस एम भी शो कर रहे हैं, तो सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद इसमें हमने कोई भी ग्रुप नहीं लगा रखा है, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ, सेकंड के बाद फोर्थ, क्योंकि इन दोनों में जो ग्रुप लगे हुए हैं वो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं लेकिन प्लस एम द्वारा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में भी बढ़ा रहे हैं, तो सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ और फोर्थ के बाद वन और थर्ड में क्या होगा, देखो ये ग्रुप ऑर्थो पर लगा हुआ है, ऑर्थो पर माइनस आई क्या होगा, ज्यादा, और पैरा पर माइनस आई क्या होगा, कम होगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेडिक्ट प्रभाव दूरी के साथ घटता है, या जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वो कम होने लगता है, तो इन दोनों में से किसमें ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले में, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा, और उसके बाद कौन आ जाएगा, थर्ड। तो इसका जो ऑर्डर है वो सेकंड फोर्थ फर्स्ट और क्या हो गया, थर्ड। एक बार फिर से हम इसको देख लें कि अगर हम फिनोल लेते हैं और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो आप इसमें एसिड रिलीज कराइए, इसका फिनोक्साइड आयन बनाइए, फिनोक्साइड आयन बनने के बाद आपको ये देखना है कि जो ग्रुप हमने लगा रखा है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या रिलीजिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है यानी कि ग्राही ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ या अपनी तरफ खींचेगा, या यूं कहो कि इस नीचे की तरफ होने वाले रेजोनेंस को वो क्या करेगा, बढ़ा रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट अगर आपने कोई रिलीजिंग ग्रुप लगा रखे, रिलीजिंग का मतलब है जो अपने से दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करे, ये चार्ज नीचे की तरफ मूव कर रहा है और आपने ऐसे ग्रुप लगा दिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, मींस दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज, तो उस केस में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इनका जो ऑर्डर होगा वो सेकंड में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब हम यहां पर अलग ग्रुप लगा देंगे, ग्रुप
और विथड्रॉइंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप लगा सकते हो। जैसे अपन ने प्योर रिलीजिंग ग्रुप लगा लिया, अब अपन कुछ एनो टाइप का ग्रुप लगा लेते हैं। हमने यहाँ पर ऑर्थो पर एनो ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर मेटा पर एनो ग्रुप लगा दिया, पैरा पर एनो ग्रुप लगा दिया और ये फिर हो गया। अब अगर मानो कि इन चारों के एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करें, एनो टू माइनस आई और माइनस एम, एनो टू का माइनस आई भी बढ़िया होता है और इसका माइनस एम भी क्या होता है, अच्छा होता है। अगर अपन एनो टू को देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है एन डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एनो टू और नाइट्रोजन पर एक प्लस चार्ज होता है। अब इसकी फिनोल की ऑर्थो पर अपन ने एनो टू ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर इसकी मेटा पोजिशन पर एनो टू ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर इसका माइनस आई भी होगा। नाइट्रोजन में देखो इसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा प्योर खींचेगी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसको ये माइनस आई से भी खींच रहा है और माइनस एम से भी खींच रहा है। यहाँ पर एनो टू ऑनली माइनस आई लगा है, केवल और केवल क्या लगेगा माइनस आई, क्यों? क्योंकि ये मेटा पोजिशन पर है, मेटा पर रेजोनेंस होता नहीं। और इसमें को अगर अपन देखें तो यहाँ पर एनो टू पहले पोजिशन पर लगा हुआ है जिसका माइनस आई भी होता है और माइनस एम भी होता है। क्योंकि माइनस आई नेगेटिव है या प्रेरणिक प्रभाव दूरी के साथ साथ या डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी घटता चला जाएगा, तो माइनस आई ज्यादा इसमें होगा और दो वाले में ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा कम होगा और इसमें केवल और केवल माइनस आई लगेगा। ये तो अपन इफेक्ट देखिए। अब अगर मान लो कि हम कैसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो कैसे निकालेंगे, जहां पर जॉइंट नेचर का ग्रुप जितना ज्यादा होगा या माइनस आई माइनस एम जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखने में अभी क्या लग रहा है कि यहाँ पर माइनस एम तो ऑर्थो पैरा पर बराबर है और माइनस आई जो होगा वो ऑर्थो पर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये सबसे क्या है करंट। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो एनो टू ग्रुप हमने लगाया है इस एनो टू ग्रुप के कारण यहाँ पर देखो ये OH है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन रिलीज करेगा, लेकिन जितना एचप्लस इसको देना चाहिए उतना एचप्लस को नहीं दे पाता है। कुछ हाइड्रोजन जो होती है वो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस जाती है। मान लो आप 100 मॉलिक्यूल लेकर काम कर रहे हो, पांच में अगर मान लो हाइड्रोजन जो है वो निकलने से पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो वो हाइड्रोजन क्या होगी, इसी में फंसी रह जाएगी, वो ये नहीं दे पाएगा, रिलीज नहीं कर पाएगा। तो ऑर्थो पोजिशन पर फिनोल की ऑर्थो पोजिशन पर जब हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें, नाइट्रो ग्रुप लगा दें, OH ग्रुप लगा दें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो जितना एस्ट्रस उसको देना चाहिए उतना एस्ट्रस वो नहीं दे पाता है या रिलीज नहीं कर पाता है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पैरा वाले में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका माइनस आई भी होगा और माइनस एम भी होगा, तो ये माइनस आई से भी खींचेगा और माइनस एम से भी खींचेगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा। यानी कि अगर हम इनको 1, 2, 3 और 4 दे दे तो हम देख रहे हैं कि थर्ड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद फर्स्ट वाली की एसिडिक स्ट्रेंथ कम तो हुई है लेकिन सबसे कम नहीं हुई है। आप इस बात का ध्यान रखें कि इस फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ जब हम निकालें तो थर्ड वाले की बात रखेंगे, इसको ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जितना एस्ट्रस उसको देना चाहिए उतना एस्ट्रस नहीं दे पा रहा, कुछ हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंसी रह जाएगी, लेकिन इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड के बाद मतलब इससे थोड़ी कम होगी। तो आप ध्यान रखिए इस ऑर्डर को कि जैसे ही हम थर्ड ले उसके जस्ट बाद क्या होगा, फर्स्ट वाले की हो जाएगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि फोर्थ वाले में किसी भी टाइप का कोई माइनस आई या माइनस एम वाला ग्रुप नहीं लगा है, कोई विथड्रॉइंग टाइप का ग्रुप हमने नहीं लगाया है। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। एक बार फिर से देखें कि जब जब हम फिनोल लेंगे और फिनोल की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर हम एनो टू टाइप का ग्रुप लगाएंगे या अगर मान लो इसी में हम OH ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें, OH ग्रुप लगा दें, तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना H+ इसको देना चाहिए उतना H+ ये वाला कंपाउंड नहीं दे पाता है, कुछ
हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंसी रह जाती है, मीन्स एच प्लस रिलीज करने से पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो वहां पर क्या होगा, जितना एच प्लस उसको देना चाहिए उतना एच प्लस वो रिलीज नहीं कर पाता है, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो पहला वाले से क्या हो जाती है, कम, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई और माइनस आई दोनों इफेक्ट है इसके, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, थर्ड वाले की होगी, उसके बाद फर्स्ट वाले की। अब चूंकि सेकेंड वाला जो है उसमें मेटा पोजिशन पर हम लोग ग्रुप लगा हुआ है और हम जानते हैं कि मेटा पर केवल और केवल क्या हुआ, माइनस आई, यानी कि वो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड के बाद क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, और चूंकि फोर्थ वाले में ये एच प्लस को रिलीज करेगा और रिलीज करने के बाद ये कंजुगेट बेस रेजोनेंस द्वारा अपने आप को स्टेबल करेगा, बट हमने कोई भी माइनस आई या माइनस आई वाला ग्रुप नहीं लगाया था, इसलिए इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे कम, इनमें सबसे कम। हम यहाँ पर OH भी ले लेते हैं, इसी एग्जांपल में अगर मान लो हम OH ग्रुप लगा दें, ये OH मेटा और पैरा, यहां पर क्या होगा, अब अगेन इसका क्या होगा, माइनस आई लगेगा, क्योंकि ये OH मेटा पोजीशन पर है, तो यहां पर क्या होगा, ओनली माइनस आई, केवल और केवल माइनस आई लगेगा, यहां पर ये जो OH ग्रुप है यहां पर भी OH है, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी फिर से, और यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं, इसका माइनस आई भी लग रहा है और इसका प्लस एम लग रहा है, एनोड में माइनस आई माइनस एम लग रहा था, बट यहां पर इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो अगर इसके पास लोन पेयर है और आगे कोई कंजुगेट सिस्टम है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मींस इसका प्लस एम होगा और साथ साथ में क्या होगा, माइनस आई से वो खींच रहा है, प्लस एम से दे रहा है, यहां पर इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर, प्लस एम से वो दे रहा है और माइनस आई से वो क्या कर रहा है, ले रहा है। अब देखो माइनस आई पैरा पोजीशन पर कम होगा और ऑर्थो पर क्या होगा, ज्यादा होगा, इस हिसाब से अगेन जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है उसमें इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा, बट ऐसा नहीं होता है। यहां पर फिर क्या होगा कि अगर हम इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड दें तो थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले से क्या हो जाती है, ज्यादा। हम जब इसकी के वैल्यूज देखते हैं तो इसकी के वैल्यू जो होती है वो अगेन फर्स्ट वाले से क्या होती है, ज्यादा, और उसका कारण फिर से वही है कि भाई यहाँ पर जितना एच प्लस उसको देना चाहिए वो उतना एच प्लस नहीं दे पाता है और कुछ हाइड्रोजन अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जितना एच प्लस उसको देना चाहिए वो नहीं दे पाता है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, थर्ड वाले से क्या हो जाती है, कम। सेकेंड वाले में जो ग्रुप लगा हुआ है उसका केवल और केवल क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, सेकेंड में जो ग्रुप लगा हुआ है OH वो मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पर किसी भी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं होता, वहां केवल और केवल क्या होगा, माइनस आई होगा, तो वो केवल और केवल खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को माइनस आई से, दे कुछ नहीं रहा है, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा भाई, केवल और केवल ले रहा है और ये ठीक है ले रहे हैं बट प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे भी रहे, तो ऊपर से नीचे की तरफ होने वाले रेजोनेंस का वो अपोज भी कर रहे हैं, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी हो जाएगी, सेकंड वाले की, और उसके बाद थर्ड और उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट। एक बार फिर से इसको देख ले कि हम फिनोल ले रहे हैं और फिनोल की ऑर्थो पर हमने OH ग्रुप लगाया है, मेटा और पैरा पर हमने क्या कर दिया, OH ग्रुप लगा दिए। पहले वाले एग्जांपल में हमने NO2 ग्रुप लगाया था, NO2 जिसका माइनस आई और माइनस एन था, वो केवल और केवल विथड्रोइंग नेचर का था, ग्राही नेचर का था, जहां पर अपन ने देखा कि ऑर्थो और पैरा वाले में वेरिएशन आ रहा था कि पैरा पोजीशन पर उसका माइनस आई माइनस एम लग रहा है और ऑर्थो पर भी उसमें माइनस आई माइनस एम लग रहा था, लेकिन ऑर्थो पर कुछ हाइड्रोजन जो थी वो NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले रही थी,
दोनों एक दूसरे के पास पास होने की वजह से उनमें क्या हो गया, डस्ट बॉन्डिंग हो गई। तो जितना एस्ट्रस उसको निकालना चाहिए था उतना वो एस्ट्रस नहीं निकाल पाया, नहीं रिलीज कर पाया, और उसकी असली स्ट्रेंथ थर्ड वाले से क्या हो गई, कम हो गई थी, पैरा वाले से कम हो गई थी। यहाँ पर भी एग्जाम्पल ऐसा ही हमने लिया है जहां हमने दो OH ग्रुप एक दूसरे की ऑर्थो पर लगाए हैं, एक दूसरे की बेटा पर और एक दूसरे की पैरा पर। तो जो ग्रुप ऑर्थो पर लगे हैं या पैरा पर लगे हैं उनका माइनस आई भी होगा और उनका प्लस एम भी होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर और आगे कंजुगेट सिस्टम। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर देगा प्लस एम द्वारा और माइनस आई से वो क्या कर रहा है, ले रहा है। यहां पर मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है और मेटा पर हम जानते हैं कि रेजोनेंस नहीं होता है, यहां पर केवल और केवल क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। यहां पर क्या हुआ, केवल और केवल माइनस आई लगेगा। तो ये माइनस आई से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हैं प्लस एम से और माइनस आई से ले रहे हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा इस चार्ज को डीलोकलाइज होने में कौन हेल्प कर रहा है, ये बीच वाला जिसका केवल और केवल क्या है, माइनस आई है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो किसकी हो जाएगी, सेकंड वाले की हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड में हमें देखने से लग रहा है कि फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाता है। कारण कि इसमें जितना एस्ट्रस देना चाहिए उतना वो नहीं दे पाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले ही हो जाने के कारण कुछ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस जाती है और इस तरह से थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, फर्स्ट वाले से ज्यादा हो जाती है। तो सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो फिनोल में अगर अपन प्योर रिलीजिंग ग्रुप लगाएं या विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएं तो किस तरह से उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी घटेगी अपन ने देखा, ठीक है। अब अपन कुछ और एग्जाम्पल्स भी ले रहे हैं। अगर मान लो हमें कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए जिनमें एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको अपन यू कर सकते हैं ओम्स गैप रूल। हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड, ओम्स गैप लो, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सैलिक एसिड को। ये एक सिंपल सी ट्रिक है और इस इन एसिड्स को अपन ट्रिक से ही याद कर ले तो आसानी रहेगी। वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सैलिक एसिड को एम मैलोनिक एसिड, एस सक्सिलिक एसिड, एस सक्सिलिक एसिड, जी ग्लूटेरिक एसिड, ए एडिपिक एसिड, इतना काफी, ये बायोमोलिक्यूल में आएगा। तो ऑक्सैलिक एसिड ओ ऑक्सैलिक एसिड एम मैलोनिक एसिड, देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैलिक मैलिक मैलोनिक ये तीन है तो हमने लिया है मैलोनिक एसिड, सक्सिलिक एसिड जी ग्लूटेरिक एसिड ए एडिपिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, जहां दो COOH एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच होते हैं। देखो ये हमारी हाइड्रोजन, इसको देखो ये ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर आप इस हाइड्रोजन को देखें तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। मैलोनिक एसिड बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला याद करना COOH। अब एक एक कार्बन इनके बीच में बढ़ाते चले जाओ CH2 और ये क्या हो गया सी डबल बोन ओ OH। हम इन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया मैलोनिक सक्सिलिक, यहां पर क्या होगा COOH। अब दो COOH के बीच में एक कार्बन और बढ़ा दो, दो कार्बन हो जाएंगे CH2 और ट्वाइस COOH। अगले में क्या होगा एक कार्बन और बढ़ जाएगा, मैं CH2 और ट्वाइस COOH और इधर आ जाएगा COOH और इस पे एक कार्बन और बढ़ जाएगा CH2O4 COOH और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। इस तरह से अपन ये एसिड्स लेंगे। अभी भी
ऑक्सैलिक नर्मिक सक्सैलिक ल्यूटेरिक एडिपिक और हर बार एक एक कार्बन बढ़ा दो, सब डाइमेसिक एसिड है। अब जैसे मान लो कि हमें इनकी एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है कि किसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ये वो एसिड है जहां पर क्या होता है, जैसे अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा वो भी एसिड थे, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है एसिड पहले ही रिलीज हो जाता है और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पहले ही क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, भाई कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और कुछ ऐसे उनमें बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एसपेस रिलीज करने के बाद। यहां पर देखो क्या हो रहा है कि जैसे ही एसपेस रिलीज होगा तो ये सीओ माइनस बनेगा। अब चूंकि ये दोनों एक ही तरफ है तो यहां पर क्या होगा कि इस ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ी है वो इसे क्या कर लेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगी। यहां पर क्या होगा या यूं आप इसको समझ सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो हमें इनकी एसिड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो ये CO है और ये भी क्या है CO है, H+ यहां से रिलीज होगा या यहां से कहीं से भी हो पहले एक H+ रिलीज होगा दोनों एक साथ हो जाएंगे नहीं। आप दूसरे ग्रुप का माइनस आई देख सकते हैं जैसे हम बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स में करते हैं कि ये CH है इसकी एसिड स्ट्रेंथ देखनी है तो आप देख लो इधर माइनस आई वाला ग्रुप लगा हुआ है या प्लस आई वाला, तो CH खुद एक माइनस आई वाला ग्रुप है तो यहां पर इसका माइनस आई लगेगा जो इसकी एसिड स्ट्रेंथ को क्या कर देगा बढ़ा देगा। अगर हम इसको देखें मेलोनिक एसिड को तो यहां पर CH2CH और CH ये जो CH लगा हुआ है माइनस आई इसका भी लगेगा बट इसमें डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ माइनस आई वाले को बढ़ाते हैं और प्लस आई वाले क्या करते हैं कम करते हैं, बट जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि माइनस आई वाले ग्रुप जो है उनके बीच में नंबर ऑफ कार्बन या डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ प्रणिक प्रभाव या नेगेटिव इफेक्ट क्या हो जाता है कम हो जाता है, तो इस का जो माइनस आई लगेगा वो पहले वाले की तुलना में क्या होगा कम लगेगा, मतलब इसका माइनस आई क्या होगा ज्यादा होगा। अगर इसका माइनस आई ज्यादा लग रहा है क्योंकि सीधा इससे जुड़ा हुआ है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी ज्यादा होगी। यहां पर देखो COH ग्रुप जो लगा हुआ है इसका माइनस आई जो होगा वो इससे थोड़ा सा क्या होगा कम होगा क्योंकि अब बीच में कितने कार्बन आ गए दो आ गए और इसका जो माइनस आई होगा वो और भी क्या हो जाएगा कम और कम। और इस तरह से अपन देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम इन एग्जांपल्स में मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे इनके माइनस आई कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके माइनस आई क्या होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं, यानी ऑक्सैलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इनमें सबसे क्या होगी ज्यादा, उसके बाद मेलोनिक सक्सैलिक ग्लूटेरिक और क्या हो जाएगा एडिपिक। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप अगर ओम्स गैप्रोसिस ट्रिक से याद करें, सारे बच्चे इसी तरह से शायद इसको याद करते हैं, तो अगर आप इस ट्रिक से इसको याद करेंगे तो आपको फॉर्मूले लर्न करने में आसानी होगी, फटाफट ये हो जाएगा, बस एक ही कार्बन आपको क्या करना है बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सैलिक ग्लूटेरिक और एडिपिक एसिड। इसमें हम एक दो एग्जांपल और ले रहे हैं मैलिक और फिमेलिक। देखो मैलिक और जो फिमेलिक एसिड है C-O-O-H ये कहलाता है मैलिक एसिड। इसी तरह से फ्यूमेलिक होता है सी डबल बॉन्ड सी सी ओ एच ये कहलाता है फ्यूमेलिक एसिड। इस सारे में अपन देख रहे हैं कि दो एक जैसे ग्रुप एक तरफ है, किन्हीं दो को देख लीजिए आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन है या सीओ सीओ है, जो एक जैसे ग्रुप है वो एक तरफ है और इस वाले में एक जैसे ग्रुप क्या हो गए अपोजिट हो गए, तो ये फॉर्म कहलाता है सिस फॉर्म। जब एक जैसे ग्रुप एक तरफ हो तो वो कहलाता है सिस और ये कहलाता है इसका ट्रांस ग्रुप या ट्रांस फॉर्म कहलाती है। हिंदी में समकक्ष और विपक्ष इनको बोलते हैं तो सिस और ट्रांसफॉर्म है। अब अगर मान लो कि हमें इनकी एसिड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, यहां पर हम इनका Ka1 और Ka2 दोनों कैलकुलेट करते हैं,
पूछ लेते हैं इसमें। अगर हम इसके के वन की बात करें, के ए वन ऑफ मैलिक एसिड, यहां पर देखो जैसे ही एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो एच प्लस रिलीज करने के बाद ये जो सीओ माइनस बनेगा, क्योंकि दोनों एक तरफ है, सिस फॉर्म है, तो यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर लेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है। अब यहां पर भी क्या है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है। अब जैसे ही एच प्लस रिलीज करेगा तो ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर लेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगी और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर एच प्लस रिलीज करने के बाद, यहां पर एच प्लस रिलीज करने के बाद जो इसका कॉन्जुगेट बन रहा है वो कॉन्जुगेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा अपने आप को क्या कर ले रहा है, स्टेबल कर ले रहा है। तो लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं है। अगर एच प्लस रिलीज भी होता है तो रिलीज करने के बाद जो कॉन्जुगेट बनेगा वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। हाँ ठीक है, अरेंजमेंट पे हो रहा है, बट जो इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो इसमें नहीं हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि के वन ऑफ मैलिक इज ग्रेटर देन के वन ऑफ फ्यूमैलिक एसिड, कि मैलिक अम्ल का जो के वन होगा या एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी पहला एच प्लस रिलीज करने के बाद वो ज्यादा होगी, किससे, फ्यूमैलिक एसिड से। अगर हम इनके के टू कंपेयर करें, यहां पर देखो एक एच प्लस रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब ये जो हाइड्रोजन है इसकी दूसरी वाली वो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पैक हो गई, लेकिन इस वाले में ये हाइड्रोजन क्या है, अब रिलीज होने के लिए फ्री है। भाई इसके लिए एच प्लस क्या हो गया, पहले रिलीज हो गया, ये ओ माइनस बन गया। अब दूसरी जो हाइड्रोजन रिलीज होगी वो इस फ्यूमैलिक एसिड में इजिली रिलीज हो जाएगी, बट उसमें नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि अब मैलिक एसिड में जो दूसरी हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, उसी में फंसी रहेगी। तो हम कह सकते हैं के टू ऑफ फ्यूमैलिक एसिड इज ग्रेटर देन के टू ऑफ मैलिक एसिड। देखो इसे एक बार फिर से समझे कि हमने दो कंपाउंड लिए हैं, दो एसिड लिए हैं, मैलिक एसिड एंड फ्यूमैलिक एसिड। दोनों क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सबको सेम है, बस एक सिस फॉर्म है, एक क्या है, ट्रांस फॉर्म है। इनका अरेंजमेंट जो है वो अलग है। जब दो एक जैसे ग्रुप एक तरफ होंगे तो वो सिस फॉर्म कहलाएगा, और जब अपोजिट होंगे तो क्या कहलाएगा, ट्रांस फॉर्म कहलाएगा। तो हम इनका के ए वन और के ए टू कंपेयर करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं। तो इसमें एक एच प्लस रिलीज किया, पहले एच प्लस रिलीज होगा, तो एच प्लस रिलीज करने के बाद जो कॉन्जुगेट बन रहा है वो कॉन्जुगेट इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा अपने आप को क्या कर ले रहा है, स्टेबल बना ले रहा है। फ्यूमैलिक एसिड में ऐसी सुविधा नहीं, फ्यूमैलिक एसिड में एच प्लस रिलीज कर दिया, अब दूसरा सीओ तो दूसरी तरफ है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। बस ये जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो रेजोनेंस द्वारा अपने आप को स्टेबल कर ले रहा है, और कोई तरीका नहीं है। तो मैलिक एसिड का के वन होगा वो ज्यादा आएगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है स्ट्रेस रिलीज करने के बाद वो रेजोनेंस द्वारा भी स्टेबल हो रहा है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। ये एक्स्ट्रा फैक्टर लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि के वन ऑफ मैलिक इज ग्रेटर देन के वन ऑफ फ्यूमैलिक। बट अगर हम के टू की बात करें तो अब दूसरी हाइड्रोजन के लिए, तो दूसरी हाइड्रोजन इस वक्त क्या हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंसी पड़ी, निकल नहीं पाएगी इजिली। लेकिन यहां पर जो दूसरी हाइड्रोजन है वो फ्री है निकलने के लिए, वो इजिली क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। और जो जितना इजिली एच प्लस आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। तो के टू जो होगा वो फ्यूमैलिक एसिड का क्या होगा, ज्यादा। के टू फ्यूमैलिक एसिड का क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, मैलिक से। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा सा फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अपन ने देखा। क्योंकि यहां पर अपन बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं ले सकते, अपन ने लिमिटेड एग्जांपल्स लिए हैं कि भी हाँ अगर इस तरह के हम ग्रुप लगाते हैं तो ये फंडा लगाएंगे, इस तरह के ग्रुप लगाते हैं तो ये, ठीक है भाई। दो ही तरह के ग्रुप है हमारे पास, या तो रिलीजिंग है या विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या होगा, और विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो क्या होगा।
फिर अपन ने इस टाइप की अगर कोई पॉलीप्रोटीन टाइप की कोई एसिड है या डाइबेसिक एसिड्स हैं उनमें अपन एसिडिक स्ट्रेंथ देगा। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ऑर्थो इफेक्ट।